मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, आजकल हमारे देश में हर 10वां इंसान थायराइड का शिकार है। ये खुलासा इंडियन थायराइड सोसाइटी की एक हालिया रिपोर्ट में किया गया है। खास तौर से औरतों में थायराइड के मामले बेहद ज्यादा बढ़े हैं। रिसर्च की माने तो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। थायराइड की वजह से अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, डिप्रेशन, डायबिटीज, इंसोम्निया और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा है। डॉक्टरों की माने तो कुछ खास चीज़ों को खाने से थायराइड बढ़ जाता है। ऐसे में ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि थायराइड के दौरान किन चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। तो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वो पांच चीज़ें जो थायराइड के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। बात करते हैं पहले फूड की। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में आयोडीन लेकर थायराइड हार्मोन पैदा करते हैं। इसीलिए हाइपोथायराइड है तो आयोडीन की अधिकता वाले खाने पीने की चीज़ों से जीवन भर दूरी बनाए रखें। सी फूड और आयोडीन वाले नमक को पूरी तरह नज़रअंदाज करें। बात करेंगे दूसरे फूड की। कैफीन वैसे तो सीधे थायराइड नहीं बढ़ाती, लेकिन ये उन परेशानियों को बढ़ा देती है जो थायराइड की वजह से पैदा होती हैं, जैसे बेचैनी और नींद में खलल। बात करते हैं तीसरे फूड की। रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट होता है, इससे वेट तेज़ी से बढ़ता है। ऐसे में थायराइड वाले, जिनका कि वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उन्हें इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा रेड मीट खाने से थायराइड वालों को बदन में जलन की शिकायत होने लगती है। बात करेंगे चौथी चीज़ की। अल्कोहल यानी कि शराब, बियर वगैरह शरीर में एनर्जी के लेवल को प्रभावित करते हैं। इससे थायराइड की समस्या वाले लोगों की नींद में दिक्कत की शिकायत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। बात करेंगे पांचवे फूड की। वनस्पति घी को हाइड्रोजन में से गुजरकर बनाया जाता है। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करते हैं और बुरे को बढ़ावा देते हैं। बड़े थायराइड से जो परेशानियां पैदा होती हैं, ये उन्हें और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ध्यान रहे, इस घी का इस्तेमाल खाने पीने की दुकानों में जमकर होता है, इसीलिए बाहर का फ्राइड खाना खाने से परहेज करें। तो ये थी वो चीज़ें जो कि थायराइड में आपको ना के बराबर खानी चाहिए या फिर कम खानी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।